जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सिखा सकता। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, एलसीएड बुक, एक्सरसाइज कितना है 8.1 का पहला, ये पहला कौन है, छठा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको सिद्ध करके बताना है। क्या करना है, सिद्ध प्रूफ डेट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए और बी क्या चीज है, न्यून कौन है, तो न्यून कौन कैसे पता चलेगा जब हम फिगर बनाएंगे था ना। न्यून कौन, अच्छा देखिए क्या फिगर एक है, देख कौन कितना ए और बी क्या चीज, न्यून कौन है, न्यून कौन किसे कहते हैं, वो कौन जिसका मतलब 90 डिग्री क्या हो, छोटा हो, यही तो 90 डिग्री बन रहा है, तो हो नहीं सकता है। अब क्या करना है हमको, कौन न्यून पर बनाना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है। अभी दोनों कौन से कौन हो गया, न्यून कौन हो गया, और सी कौन से कौन हो गया, सम कौन हो गया, ये हमको सिद्ध कर बताना है। जहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया, कोस ए बराबर कोस बी, यहाँ पर ए का थीटा बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, बी का थीटा बना रहा है, हमको याद करना है। ये लिखेंगे सोल्व, सोल्व क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी, जो दिया हुआ हम उसी चलेंगे, है ना। कॉस ए है तो ए देखिए यहाँ पर थीटा बना रहा है, इस पे इसके सामने लगे क्या हो जाएगा, लंब ना। अब कर्ण जो हमेशा वो बड़ी रहती है, अति बड़ी भुजा, ये सामने लंब हो जाती है, धार हो गया, आधार हो गई, क्या हो गया इसका लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये धार हुआ, ये क्या हो गया लंब। तो कॉस यहाँ थीटा बना रहा है, इसका क्या हो जाए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो जल्दी बी बाई एच, यानी आधार इसमें होता है, कोस में आधार होता है, क्या होता है, कोस में आधार होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बना रहा था, क्या हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, एसी एसी बराबर एसी बटा, हाँ समझा, यहाँ पर थीटा बना रहा है, कोस तो यहाँ पर है ना, यहाँ थीटा बना रहा है, सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, तो कोस में पी तो नहीं होता है, क्या होता है बी, यानी बी बी क्या होता है बी, और एच देखिए क्या ये एच है, एसी एसी है, के बी है, ए बी। तो जब यहाँ पर ए बना रहा था, कौन कौन ए बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आधार ये वाला हो जाएगा, कौन ई यहाँ पर बनाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब आइए इसमें कौन यहाँ पर बना रहा है, कौन अब किस पे, बी पे, अब बी पे बनाएगा तो सामने वाला लंब ना होगा, अबे कौन सा लंब मिला, अभी आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी सी, बी सी बटा ए बी, यहाँ तो समझ में आ गया ना। जब कोस यहाँ से एंगल बना रहा था जिस तरह से, उसी तरह भुजा कर लिख दिया, लिख दिया। अब क्या हो गया, यहाँ ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बन जाएगा, एसी बराबर बी सी। तो देखिए यहाँ से समझिएगा, जो एसी है, जो भुजा वाला होता है, भुजा के सामने वाला जो क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है, क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यार यहाँ पर कितना है, एसी ना है, एसी है, है एसी, इसके सामने वाला भुज थी कौन कौन है, ये ना है कौन इसके सामने वाला। तो त्रिभुज का गुण होता है कि जो सामने का भुजा हुआ, अभी तो समझा ही रहा है, देखो त्रिभुज का गुण होता है कि जो उसका भुजा दिया हुआ, भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, किसके भुजा के बराबर होता है, कि भुजा क्या चीज का, एसी है, तो एसी बराबर का कोण बी होगा, क्या होगा, कोण बी। इला ध्यान रखना है, कोई भी जो त्रिभुज है, त्रिभुज जो सामने वाला भुजा होती है, वो क्या होती है, उसके एंगल के बराबर, क्यों को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोण लिखेंगे बी बराबर, और देखिए क्या चाहिए, बी सी कहाँ पर, बी सी है, ये वाला बी सी ना है, अब इसके बाद सामने वाला कौन कौन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये भुजा है, अरे भुजा, अब भुजा यहाँ पर भी चल जाएगा, भुजा में समझता ना, बाजू दे हाथ, गाड़ी सुना कि नहीं, बोल पट्टा देखा भुजा, हाँ
कुछ गिरा लेगा घर पर ना कहे लोटा उठा जापान में हाथ में ना घुस पट्टा हाथ में ना हाँ क्या होता बुझवा काम ना करी तो क्या जगह कौन यहाँ बीसी है तो बीसी और सामने से कौन कौन सा है कौन ए है तो कौन ए हो गया देखिए हमको यही सिद्ध करना था क्या सिद्ध करना था कोने बराबर कौन बी ठीक देंगे इसलिए कोने बराबर कौन बी प्रूफ नहीं सो तो फिर समझा देंगे ये काम क्या करना देखो इधर हेलो हेलो देवी माँ कौन दिया बाटी क्या है कॉस ए सुनो कॉस ए है इसके बाद ये ठीक है यहाँ पे बना रहा था सामने में लंब हुआ ठीक है इस समाज के इस बना दिया लंब हुआ ये आधार हुआ था हमको आधार चाहिए कि क्योंकि कॉस में क्या होता है आधार होता है तो आधार लिख दिए ठीक आधार बटा कर्ण इसमें बना रहता है बी इसका आधार ही हो गया बी सी और कर्ण तो वही रहेगा ए बी दोनों में क्या ए बी भी कट जाएगा कट गया तो ए सी बराबर ए बी और इसका गुण होता है त्रिभुज के हाँ ए सी बराबर बी सी और इसका गुण क्या होता है कि जो त्रिभुज के सामने वाले क्या चीज हो भुजा हो क्या हो भुजा क्या चीज होती है कोण के बराबर होती है बराबर है एसी बराबर बीसी एसी के सामने कौन आ रहा है सामने सामने बीसी आई था बी आई थी बी हो गया एक बार क्या चला बी के सामने सामने बना रहा है हाँ बोना के सामने सामने आ रहा है कुछ एसी एसी सर एसी एसी यहाँ पर हो गया ना एसी बीसी एसी अब यहाँ से क्या हो गया लिख देंगे आता है सिद्ध करना था कोने बराबर कौन एसी तो गया अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अब इसको उतारिए मैट्रिक्स में रोक देते हैं हो गया जा जा हमारे क्या सॉल्व करते हैं नहीं हेलो हिसाब से ए क्या दिया कॉट थीटा का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कॉट थीटा भाई साथ बता आठ हाँ बता आठ पहला निकाल रहा हूँ क्या निकाल रहा है वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा इनटू वन माइनस कॉस थीटा हो गया देखिए क्या है ए इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं ए और बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बढ़िया फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी तरह से नीचे वाला भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा समझ आएगा कि नहीं आया नहीं आया क्या है इसको ए मानना है इसको बी इसको ए मानना बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइड में देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और होता है यस सर तो होता है तो देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखवा दे फॉर्मूला बोलिए कोई वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता फॉर्मूला देखो जल्दी वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है होता है अरे हो है पीछे देखो पीछे होता अरे उसे पीछे नहीं देखो इसके बाद बताए थे रिलेशन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा ठीठा ले ना सर मैं ठीठा ना हाँ ये भी ना हाँ बराबर होता है हमको देखो क्या करना है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा इसको फेंक दे उधर तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला लिखवाए थे आज फॉर्मूला कैसे बना दिया असाइनमेंट कर ले याद नहीं पड़ रहा लेने के लिए चला जाएगा यह सब तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कैसे कैसे बना रहा है सर समझ में नहीं आ रहा कौन
फॉर्मूला इसका होता है, याद किया फॉर्मूला? नहीं ना, अरे इधर हेलो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिखवाए ना, लिखवाए देखिए आज ठीक बना लेते हैं मेरा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा कितना दिया हुआ है दूसरा में वही निकालना है, कहीं निकालना कोट से थीटा मान, वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यही हो जाएगा कोट थीटा बराबर सात बट आठ, कोट थीटा बराबर सात बट आठ, सात बट आठ, सात के स्क्वायर कितना हो जाएगा उनचास, उनचास चौसठ, बात को पकड़िए, किसी को दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम चलो, फिर आठ बताते हैं, उधारो